अपनी किचन में बनाएंगे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बिड़िया। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और घर में उपलब्ध चीजों से ही बनाई गई है ये मिठाई। आइए देखिए ये कैसे बनती है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। बिड़िया बनाने के लिए हमने 1 किलोग्राम मैदा लिया है। इसको हमने 2 बार छान लिया है। छानने के बाद हमने इसमें से 3 चम्मच ऐसे मैदा निकाल कर एक कटोरी में रख लिया है। इसका हम पतला घोल तैयार करेंगे और इसमें हम अब मोवन डालेंगे। तो ये 250 ग्राम के करीब करीब घी है, इसको हम इसमें मिला देंगे और इसका एक मोयन तैयार करेंगे अच्छा सा। हमने जो मोयन डाला है इसमें उसको हमको अच्छे से मिलाना होगा। तो हम धीरे धीरे अपने हाथ से ऐसे रगड़ते हुए इसको मिलाएंगे और इसमें परफेक्ट मोयन तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखने के लिए हम हाथ की मुट्ठी ऐसे बनाएंगे। देखिए ये गोले बन गए हैं, तो ये हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। यदि आप तौल से ना नापना चाहें तो इसको समझिए आप कोई बर्तन ले लीजिए और यदि 4 कटोरी आपके पास मैदा है तो 1 कटोरी इसमें घी डाल दीजिए। अब हमको इसका एक कड़ा सा डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको मिलाएंगे। डो को हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये मैदा जो हमने निकाला था 3 छोटा चम्मच, इसको हम पतला घोल तैयार करेंगे, इसकी स्लेरी तैयार करेंगे। इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। देखिए इसको मैंने इस तरह से घोलकर तैयार कर लिया है। यदि फिर भी गुठली अगर रह जाए तो आप इसे छान सकते हैं। 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इसकी एक रोटी तैयार करेंगे। अब हमको इधर से थोड़ा थोड़ा आटा को अलग कर लेना है। हम इसको 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई में काटेंगे। इस तरह से हमको काटना है और ऐसे ही इधर से भी हमको काटना है ऐसे। अब हम जो स्लेरी तैयार किए हैं उसको लगाएंगे। तो हम देखिए इस कोने पर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह से हमको तैयार करना है। सारे डो का हमको इसी डिजाइन में इसको बनाना है। ये हमने 1 किलो शक्कर लिया है। यदि हम 1 किलो मैदा लेते हैं तो इसमें 1 किलो शक्कर लग जाता है। इसका हमको गाढ़ा से चाशनी तैयार करना है और इसको पागना है फिर। तो इसमें हम 1/2 लीटर जैसे पानी डालेंगे या शक्कर के डूबते तक हमको इसमें पानी डालना है। अब हम इसको घोल के रखते हैं एक साइड, दूसरे चूल्हे पर हम इसको चढ़ा देंगे और घुलने देंगे। तब तक हम अपना बिड़िया जो तैयार है उसको सेकते हैं और बनाते जाएंगे वैसे ही और सेकते जाएंगे। सारे डो को हमको इसी तरह से तैयार करना। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबको डालते हैं। तेल हमारा मीडियम हाई होना चाहिए। इसको हमको थोड़ा जोर से दबाना है ताकि ये खुले ना, कई बार खुल जाता है। हालांकि स्लेरी मैंने इसीलिए लगाई है कि खुले ना करके, फिर भी कभी खुल जाए, इसलिए आपको थोड़ा इसको शेप जब देंगे तो आपको थोड़ा जोर से दबाकर इसको बनाना होगा। देखिए ये सीख चुका है, इसको हमको इसी तरह से सेकना है और इसको अलग कर लेना है।
बिड़िया पाकने के लिए चाशनी तैयार है। इसकी पहचान ये है कि शक्कर किनारे में जमने लग गया है। अब हम इसमें बिड़िया को डालते जाएंगे और एक थाली में हमने चिकनाई लगाकर पहले से ही रख लिया है, इसको उसके बाद हम चिकनाई वाली थाली में निकालते जाएंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और इसको अच्छे से हम कढ़ाई में घुमाएंगे ताकि चारों तरफ इसकी चाशनी चिपक जाए। और ऐसे किनारे मिला के हम इसको थोड़ा छान लेंगे ताकि शक्कर का लेयर ज्यादा ना हो। बिड़िया बनकर तैयार है। ये बहुत कम समय में बन गया है, आधा से पौन घंटा इसको लगा है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।